विश्व भर में फैली नोवल कोरोना वायरस की बीमारी को मात देने में सरकार की मदद करें। आप सभी से अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन को गंभीरता से फॉलो करें। इसके अधीन आए सभी आदेशों का पालन करें। हमें जुट होकर ही इस बीमारी को हरा सकते हैं। घर में रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार दोस्तों, आज एक और पेशेंट से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम है भावतोष बर्मन। सही नाम दिया भावतोष बर्मन, भावतोष बर्मन बंगला नाम है, वेस्ट बंगाल। कहाँ के रहने वाले? वेस्ट बंगाल उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो जब आए थे भावतोष तो उस समय क्या क्या दिक्कत आई थी? तो बहुत ही दिक्कत था, सब खाना नहीं खा पाता था, खाना खाते से शरीर में झिझ नहीं होता था। अच्छा, तो क्या कमजोरी और थोड़ा सा थक जाता था, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। बहुत सारी प्रॉब्लम थी, क्या क्या प्रॉब्लम थी खुल के बताओ। डरो मत, घबराओ मत, मौका है, जो बोलना बोल दो, जो भी प्रॉब्लम थी खुल के बताओ। बीपी बहुत था, 200 बाई 100 कोरी, और भी। और क्या क्या दिक्कत आ रही थी इनको आप बताएं, क्या क्या समस्याओं से जूझ रहे थे उस समय? क्योंकि जब आए थे मुझे याद है काफी गंभीर स्थिति में थे। नहीं रहते ये वहाँ पे थे, तो आप भी बता सकते हैं कि पहले उस समय बीपी आपका बड़ा होता, फिजिकल लेवल पे सांस लेने में दिक्कत था, थक जाता था, थक जाता था, लिखने ज्यादा होगी हाथ में। बंगला भाषी बोलेगा? बंगला भाषा बोलो। अब तो काफी फर्क है पहले से। पांव फूले पहले? नहीं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। पहले क्रिएटिनिन आपको बढ़ा होगा, अभी कितना है क्रिएटिनिन? अभी लेटेस्ट 0.07। 0.07 बहुत अच्छा है। और आपने मल्टीपल बारी, कई काफी बारी चेक कराया है आपने ये, और कई मतलब अलग अलग 15 में चेक कराया कि नहीं बड़ा तो नहीं, मतलब हमारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। वो पहले 1.8 था ना, उसके बाद आप यहाँ मेडिसिन लेके गया, मेडिसिन 3 दिन खाया, उसके बाद ही टेस्ट करने के लिए गया, बड़ा तो नहीं है थोड़ा सा। टेस्ट करने के बाद 1.03 आ गया। 1.3 दिन के अंदर नॉर्मल हुआ है। 3 दिन का है 1.03 वाली रिपोर्ट पहली। तो मतलब ये आपका मात्र ये आपने मेडिकल 10-15 दिन के गैप पे कराया है ये रिपोर्ट, और इसके अंदर ही नॉर्मल आना शुरू होगा। और फिजिकली भी आपको कुछ चेंजेस नजर लगने लग गए होंगे ना 3-4 दिन में? क्या क्या आपको प्रतीत हो रहा था, क्या क्या चेंजेस आ रहे थे उस टाइम पे? बहुत ही चेंज आ रहा था, वो खान मेडिसिन लेने के बाद ही मेरे को पता चला शरीर में कुछ हुआ है। झिझनी जो था ना, मेडिसिन लेने के बाद चला गया, झिझनी चला गया, लेट ही शुरू हो गया। और अब तो बिल्कुल रिपोर्ट्स आपकी नॉर्मल आई है। हाँ बोलो बोलो। बहुत ही नॉर्मल आया रिपोर्ट, बिल्कुल टोटली नॉर्मल की रेंज में आ गया। ये रिपोर्ट आपने दिखाया किसी नेफ्रोलॉजिस्ट को? नहीं सर, मैं कोई डॉक्टर के पास गया नहीं, आपका मेडिसिन लेने के बाद गया नहीं, नहीं लिया, एक दिन भी मेडिसिन नहीं लिया। अच्छा, कोई मेडिसिन नहीं लिया, कोई औषध सेवन नहीं किया? नहीं नहीं कोई। देखिए अभी जो क्रिएटिनिन है वो आपका इनका जो था 1.8 की रेंज में था, और यूरिया भी जो था वो बढ़ा हुआ था, 54 था जब ये आए थे 9-8-2019। उसके बाद उन्होंने 5 से 6 टेस्ट लगातार कराया, सारी की सारी रिपोर्ट इनकी नॉर्मल आई है। 1.8 का क्रिएटिनिन जब बढ़ना शुरू हुआ है, और वो रिपोर्ट को नॉर्मल कैसे कर सकते हैं, उसका जीता जाता उदाहरण है भावतोष बर्मन। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस किस प्रकार से इनको इम्प्रूवमेंट आती चली गई। 1.03 हो गया क्रिएटिनिन इनका मात्र 15 दिन के अंदर अंदर। इस रिपोर्ट में देखेंगे थोड़ा सा यूरिया इंक्रीज है, 43 है, ये सिर्फ 15 दिन के बाद की रिपोर्ट है, जिसमें क्रिएटिनिन 1.8 से 1.03 हो गया, यूरिया जो था वो 54 से 43 हो गया। सही कह रहा हूँ? उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा एक रिपोर्ट कराया, आप देखेंगे सारी रिपोर्ट के अंदर क्रिएटिनिन नॉर्मल है, 0.83 यूरिया नॉर्मल है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन नॉर्मल है, यूरिक एसिड नॉर्मल है, टोटली KFT नॉर्मल है इस रिपोर्ट के अंदर। उसके बाद फिर एक रिपोर्ट और कराई इनकी, इसके अंदर भी देखिए क्रिएटिनिन नॉर्मल है, यूरिया नॉर्मल है, सारी चीजें नॉर्मल है। फिर एक और रिपोर्ट कराई इनकी,
इसके अंदर भी आप देखेंगे क्रिएटिनिन नॉर्मल है, यूरिन नॉर्मल है। ये है 20 अक्टूबर 2019 की रिपोर्ट। अब एक लेटेस्ट रिपोर्ट इन्होंने कराई है, जो कराई है 12 नवंबर 2019, जिसके अंदर क्रिएटिनिन 0.77 है, यूरिया 25 है, ब्लड नाइट्रोजन 11.6 है, यूरिक एसिड 6.4, ऑल द वैल्यूज एंड ऑल द पैरामीटर्स आर विद इन द रेंज, आर विद द नॉर्मल रेंज। तो ये है बाबुतोष बर्मन की समस्याएं, जो जूझ रहे थे किडनी की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, आज वो बिल्कुल सफाई हो गई है उस प्रॉब्लम की, वो प्रॉब्लम खत्म हो गई, जड़ से समाप्त हो चुकी है वो समस्या इनकी किडनी की प्रॉब्लम, जो एक प्रोग्रेसिव डिजीज माना जाता है, जो माना जाता है ये रेगुलर बढ़ती चली जाएगी, क्रिएटिनिन रेगुलर बढ़ेगा, बढ़ा नहीं है और डिक्लाइन भी किया है, और किस प्रकार से बाबुतोष बर्मन को इम्प्रूवमेंट आई है वो एक उदाहरण हमारे लिए स्थापित करता है। अगर सब चीजें जैसे बताए जाए, वैसे फॉलो करें, अनुशासन और नियम रखें, तो औरों को भी इम्प्रूवमेंट आएगी, जैसे बाबुतोष को फिजिकली बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी उस समय, फिजिकली थोड़ा सा चलता था, हवा जाता था, तो अभी उस समय आपको क्या बताया था नेफ्रोलॉजिस्ट ने, जो वहाँ पे आपने दिखाया था अपना उत्तरी दिनाजपुर में, उधर जो गया था वो रिपोर्ट किया, करने के बाद पता चला किडनी का प्रॉब्लम, उसके बाद तो मैं गया नहीं कोई डॉक्टर, आपके सीधा बाद आपके पास आ गया, मेरे पास ही आया। हाँ, प्रॉब्लम आप ही बता रही थी, लेकिन आप ये रिपोर्ट देखेंगे तो कहते प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम बिल्कुल इनकी ठीक हो चुकी है, टोटली नॉर्मल रेंज में इनका क्रिएटिनिन यूरिया और सारे के एफटी के पैरामीटर्स। डॉक्टर ने बताया था ठीक हो सकता है, ऐसे करके बताया, लेकिन आपका ये यहीं से कंट्रोल हो गया और बिल्कुल नॉर्मल हो गया, जो बहुत पॉजिटिव चीज है, बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया, लग के फॉलो करा आपने, रिजल्ट भी विजिबल है।